गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर 4। तो हम इसमें इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इस पार्ट के अंदर हमने सारा यूएसए के साथ जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था, किसका, यूरोपियन स्टेट्स का, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था हमने पहले, तो उसी का ये एक पार्ट हमारा रह गया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आज हमने पढ़ना है इसके अंदर पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। इन अर्लियर पार्ट, पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था उसके अंदर वे डिस्कस अबाउट द रिलेशंस, सारा जो सिचुएशन थी वो हमने यूरोपियन यूनियन की और यूएसए के बारे में पढ़ी थी। अभी वही उसी का पार्ट एक बाकी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि किस तरह से हमने उस पार्ट के अंदर पढ़ा था, जो कल पार्ट पढ़ा था यूरोपियन यूनियन या यूएसए के बारे में पढ़ा था, कि यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमिक उस लेवल पे क्या, किस तरह से फाइनेंशियल हेल्प की थी यूएसए ने, ठीक है, 1922 और उसके 1942 के टाइम में, 1948 के टाइम के बाद उससे क्या था कि यूरोपियन जो यूनियन थी वो थोड़ी सी हाई हो गई थी, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि किस तरह से जो इकोनॉमिक लेवल पे भी अब जो था कि यूरोपियन यूनियन यूएसए के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लिटिल बिट हाई हो गया था, उसकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी यूएसए से, ठीक है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन का, पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब हमने क्या पढ़ना, पॉलिटिकल एप्रेल और क्या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था, डिप्लोमेटिक क्या पॉलिसी थी यूरोपियन यूनियन की थी, ठीक है। तो वन बाय वन वी डिस्कस द पॉइंट्स। टू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, हमने ये यूरोपियन यूनियन के टू मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या था, टू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट। अब इसमें क्या था कि जो पूरे जो यूएनएससी थी, यूनाइटेड नेशनल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी थी, यूएनएससी के जो थे परमानेंट और टेम्प्रेरी मेंबर थे, तो इसके 5 मेंबर्स तो थे परमानेंट और टेम्प्रेरी कितने थे, 10 मेंबर्स, ठीक है। तो परमानेंट तो इसके कितने हो गए यूरोपियन यूनियन के, 5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, और उसके अलावा जो टेम्प्रेरी थे उसमें से भी जो 2 मेंबर थे वो इसके चुने ही जाते थे, ठीक है। और जो हर 2 साल के बाद चुने जाते थे, जो 10 टेम्प्रेरी मेंबर थे वो हर 2 साल के बाद चुने जाते थे, और जो परमानेंट मेंबर थे वो 5 थे, ठीक है। अब देखो, यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट, मतलब परमानेंट तो 5 थे ही, उसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर भी इसमें जो 10 थे, इनमें से कई सारे इसके अंदर इंक्लूडिंग थे, मेंबर ऑफ द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। तो कई सारे मेंबर हो गए इसमें यूरोपियन यूनियन में, 5 परमानेंट मेंबर एंड जो 10 टेम्प्रेरी थे उसमें से भी कई सारे मेंबर इसमें थे, ठीक है, अब यूएनएससी के। अब देखो, हिज यूज ऑफ डिप्लोमेसी, अब यही पढ़ना है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, हिज यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे कर रहा था, काफ़ी हाई लेवल पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहा था क्योंकि काफ़ी डेवलप हो चुका था। तो देखो, द यूज ऑफ डिप्लोमेसी, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट थी एंड द निगोशिएशन, रादर देन, इसने क्या किया, डिप्लोमेसी थी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया, रादर देन, ना कि द कॉरिज्म क्या होता है, गुस्सा, अग्रेसिवनेस, ठीक है, ना कि वो यूज किया, एंड मिलिट्री फोर्स जो थी हैज बीन इफेक्टिव, जो उसकी मिलिट्री फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो आगे आने वाले पार्ट के अंदर हमने मिलिट्री इफेक्टिव पढ़ने की, मिलिट्री का क्या इन्फ्लुएंस था। देखो, उस टाइम पे मिलिट्री के लेवल पे भी क्या था, यूएस से बहुत ज़्यादा हाईफाई था, ठीक है। मिलिट्री लेवल पे किसी भी देश को कोई भी प्रॉब्लम होती तो कहाँ से हेल्प लेते थे, यूएसए से, क्योंकि यूएसए पूरी तरह से डेवलप कंट्री थी, मिलिट्री के उस पर देख लो, न्यूक्लियर पावर में देख लो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प में देख लो, यूएसए ही सबकी हेल्प करता था क्योंकि इकोनॉमिकली भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अब देखो, जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस थे, अब हमने यहाँ पे मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे हमें कंबाइंड आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो, हमने इसके अंदर पहले एक थोड़ा सा ग्राफ में बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जो 2 ही थी, इन्हीं में के बीच में टक्कर थी, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अगर मिलिट्री फोर्स की बात करते हैं तो मिलिट्री फोर्स में भी जो हमारा यूएस था वो फर्स्ट नंबर पे था, और सेकंड नंबर पे क्या था, यूरोपियन यूनियन। और इसी तरह से जो हमारा जो एक्सपेंडिचर था, जो जितना खर्चा हो रहा था, ठीक है, वो भी सारा का सारा, वो भी कौन कर रहा था, फर्स्ट नंबर पे यूएसए और सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेज, अगर तो यूरोपियन यूनियन की जो आर्म फोर्सेज थी ना वो कंबाइंड थी, ठीक है, इसकी वजह से काफी हाई पावर था। तो देखो, द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता था ये, और फर्स्ट पे मैंने क्या बताया, यूएसए, ठीक है। अब देखो, सेकंड, इट्स टोटल स्पेंडिंग
टोटल जो स्पेंडिंग थी इसकी, जो इसका टोटल खर्चा था ऑन डिफेंस, डिफेंस के ऊपर, ठीक है, जो रक्षा के ऊपर सोचते हो आपने मिलिट्री के, उसमें डिफेंस पे, डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस, वो भी यूएस के कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे था और फर्स्ट में क्या था, यूएस, ठीक है। उसके बाद देखो, टू यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस, टू यूरोपियन यूनियन मेंबर, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन मेंबर जो थे, दो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कौन से स्टेट्स के थे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के और फ्रांस के, आल्सो हैव न्यूक्लियर एसेंस, न्यूक्लियर एसेंस। अब देखो, यूरोपियन यूनियन के अलावा जो दो स्टेट्स के और मेंबर थे, ठीक है, वो कौन से थे, किसके थे, ब्रिटेन के और फ्रांस के, ब्रिटेन के, फ्रांस के और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के मेंबर, इनके तीनों के पास क्या थे, न्यूक्लियर एसेंस थे। न्यूक्लियर एसेंस कैसे, जैसे न्यूक्लियर पावर होते हैं, बॉम्ब वगैरह बनाने की जो पूरी पावर होती है, ठीक है, ये कितने थे इसको, ऑफ अप्रूव 150, इसमें से अप्रूव कितनी थी, 550 अप्रूव थी न्यूक्लियर वर अहेड, 550 इसको आगे चल के इसको अप्रूवमेंट मिल गई थी किसी न्यूक्लियर पावर में, ठीक है। तो हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन थी, मेंबर के जो मेंबर थे, टू मेंबर यूरोपियन यूनियन के, कौन से स्टेट्स के थे, ब्रिटेन के और फ्रांस के, आल्सो हैव द न्यूक्लियर एसेंस, न्यूक्लियर एसेंस, न्यूक्लियर पावर जो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, और अप्रूव कितना था उसको, 550 न्यूक्लियर पर अहेड। Now it is also the world's second most important source of space and communication technology. यहाँ तक तो हमने देख लिया ये न्यूक्लियर पावर के मामले में, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में देखना है कि ये यूरोपियन यूनियन की टेक्नोलॉजी और यूरोपियन ये जो अपना टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के मामले में कितनी आगे थी, ठीक है। देखो, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट, और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी ये सेकेंड नंबर पर थी, ठीक है। फर्स्ट पे क्या थी, हर चीज़ में यूएस, ठीक है। अब देखो, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था, सोर्स है हमारे सोर्स, सोर्सेज यही है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर में आते हैं। तो ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई क्या था, यूएसए, और सेकेंड नंबर हमारी ये यूरोपियन यूनियन आ जाती है। सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस, स्पेस में भी पहले क्या थी, नासा, और नासा के बाद सेकेंड नंबर पे आती थी ये यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी थी नासा की, और सेकेंड नंबर पे ये यूरोपियन यूनियन का जो आता था स्पेस का, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे भी चाहे आप इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इन द स्पेस, ठीक है, एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के उसमें और टेक्नोलॉजी के बेस पे जो यूरोपियन यूनियन थी वो सब वो सेकंड नंबर पे आती थी। तो हमने यहाँ पे सारा यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पढ़ा उनका, उसके बाद डिप्लोमेटिक पॉलिसी पढ़ी, डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस था उसका क्या था, ठीक है, आर्म फोर्सेज के अंदर उसका कैसे वो था, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर में कितना दोनों को कंपेयर करा था। उसके अलावा हमने आर्म फोर्सेज में देखा था कि हर जगह पर जितने भी थे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, आर्म फोर्सेज के अंदर भी यूएसए फर्स्ट नंबर पर, यूरोपियन यूनियन जो था सेकेंड नंबर पर। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो था उसमें भी यूएसए फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद सेकेंड अपना यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद जो न्यूक्लियर पावर था उसमें भी फर्स्ट नंबर पर यूरोपियन यूएसए और सेकंड पर यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और उसके बाद हमने स्पेस में देखा, स्पेस में भी फर्स्ट जो नासा का था और सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन का। और उसके अलावा जो हमने कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में देखा उसमें भी सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये हमने सारा का सारा यूरोपियन यूनियन के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस सारे के सारे पार्ट को जो हमने पूरा पढ़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में, इसके पढ़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस ब्रीफली द इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओके। तो ये हमने इसके अंदर क्या डिस्कस करना, क्या क्वेश्चन आपको, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो कि 6 मार्क्स में आ सकता है आपको, ठीक है। तो हमने अगर इस पर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि डिस्कस ब्रीफली द इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक आता है तो हमने जो पहले जो पार्ट किया था इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पढ़ा था इसका, जो हमने अर्लियर वी हैव रेड अबाउट द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। और अगर डिप्लोमेटिक आता है तो हमने डिप्लोमेसी के अंदर ये सारे पॉइंट लिख देने, ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मिलिट्री का इन्फ्लुएंस इसके अंदर आता है, मिलिट्री वाले का भी ये पार्ट लिखोगे। और यही देखो, बहुत शॉर्ट के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो 6 मार्क्स में आता है उसको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आपके तीनों चीज़ें इसके अंदर जो मेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस एक पार्ट में, यह भी इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो इसमें 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है वो इकोनॉमिक के ऊपर बनता है, जो हमने कल पढ़ा था, डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस था वो हमने अभी पढ़ा,
ठीक है, और उसके बाद जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस था वो हमने यहाँ पढ़ा। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, जो मुझे लगता है कि अगर आप इतने से पॉइंट्स को भी अपने माइंड में रखोगे तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच।